मैं आपको पीछे से आवाजें लगाती रही, लेकिन पता नहीं आप किस जल्दी में थे कि बस फोन गिरा कर चले गए। मेरा नाम सारिम है, और आपकी इस फेवर के बदले में अगर मैं आपके किसी भी काम आ सकूं तो आई बी मोर देन हैप्पी। दिस इज माय कार्ड। सारिम, ये रूमी है, सैरिश की भाभी। इन सबसे तो तुम्हारी मुलाकात है, ये हमारे यहाँ पहली बार आई है। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? आंटी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग बताएं। बिल्कुल ठीक बेटा, थैंक यू। सैरिश, अब तो तुम मेरी भाभी बनने जा रही हो, तो तुम्हें क्या बुलाऊं, भाभी या फिर सैरिश? जो मर्जी दिल में आए कहो। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जो दिल और मोहब्बत से निभाए जाए। फिर चाहे उन्हें कोई भी नाम क्यों ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन रिश्तों में एहसास जरूर होना चाहिए। बैठो रूम। बिल्कुल ठीक कहा रूमी ने, खेल तो सिर्फ एहसास का ही है। मोहब्बत एहसास के बगैर ऐसी होती है जैसे सूखे पत्तों का दरख्त, जो चाहो तो देते हैं लेकिन फल नहीं। By the way, I saw your son. बहुत क्यूट है। थैंक यू। वो बिल्कुल अपने बाबा जैसा है। आप बहुत मिस करती होंगी ना अपने हस्बैंड को? कि मिस करना मुझे कभी समझ नहीं आया। मिस तो उन्हें किया जाता है जो आपकी जिंदगी का हिस्सा ना हो या आपको छोड़कर चले जाओ। ताबिश तो साथ है मेरे, मेरे हर ख्याल में, जिंदगी के हर मौके पे साथ होता है। वक्त के साथ साथ सब्र आ जाता है, लेकिन इंसान को नहीं भूल सकता।